हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15, डेट इज़ लाइट। इसमें हम देखेंगे कि लाइट क्या है। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। तो अगर मैं टॉपिक्स देखूं कि हम ये चैप्टर में क्या क्या करेंगे, तो इंट्रोडक्शन, लाइट क्या है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, स्फेरिकल मिरर आज हम करेंगे। ये नई कंसेप्ट है आपके लिए कि दो टाइप्स के मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अगेन स्फेरिकल लेंसेज करेंगे, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और रेनबो। ये तो आपको सबका फेवरेट टॉपिक होगा कि रेनबो कैसे फॉर्म होती है। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है ना। ये सन है, दिख रहा है आपको, ये LED है। ये क्या है, ये क्या है, पार्क लाइट्स हैं, रेड येलो ग्रीन है ना, फायर है ना। ये क्या है, मून कैंडल, ये लैम्प है। ये क्या है, कार का अगला वो पार्ट। ठीक है, ये क्या है, लाइटनिंग। यही है ना डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइफ। सम नेचुरल है, सम आर्टिफिशियल है, जैसे सन नेचुरल है, LED आर्टिफिशियल है ना। ये क्या है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट, क्या हम ये चीज़ों को विजिबल कर पा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। ये आइसक्रीम है, मुँह में पानी आ गया। ये पिज्ज़ा है, ये नूडल्स हैं और ये है मंचूरियन। ये आपको समझ आ रही है, ये कैसे आपको दिख रहा है, कभी इमेजिन किया है? नो। क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट। समझ आई, ये सब कुछ क्यों दिख रहा है आपको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के कारण ही है। आप देख सकते हो कि ये जो स्क्रीन पे आ रहा है कुछ कुछ, ये आइसक्रीम है, ये कुछ कुछ जो है कुछ, ये क्या है, पिज्ज़ा है, ये कुछ कुछ नूडल्स जैसा लग रहा है, ये मंचूरियन है। तो ये क्यों है, क्यों आप देख पा रहे हो इसे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट। या अभी आप अंधेरा करो रूम में, ठीक है, जो आपके रूम में जो भी चीज़ें पड़ी हैं, विल यू एबल टू सी इट, नो। सो लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, है ना। नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये आपने सिक्स क्लास में भी पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके मैं दो एक्सपेरिमेंट है, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले देखो, ये एक आपके जैसा बंदा है और ये कैंडल है, ठीक है। जब उसने स्ट्रेट ट्यूब से देखा तो पर्सन इज एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल, बट वेन उसने मोल्ड ट्विस्ट कर दिया तो क्या उसे लाइट दिख रही है, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आ रही थी उसकी आइस में, यहाँ से जो लाइट उसकी आइस में आ रही थी वो ठीक थी। अब यहाँ पे उसने ये पाइप को ट्विस्ट कर दिया, तो ट्विस्ट के कारण क्या हुआ, यहाँ से लाइट ब्लॉक हो गई और लाइट जो है उसकी आंखों में जा नहीं पाई। इट मीन्स यहाँ से क्या प्रूव होता है, ये आपको क्या कहते हैं, बेस, जो वैल्यू बेस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ सकता है कि दो एक्सपेरिमेंट गिवन होंगे, आपको बताना होगा कि किस केस में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, किस में नहीं करती है। तो ये याद रखना, ये स्टार लगा के अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लो, दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है, आपको पीछे मैंने आपको आइसक्रीम दिखाई थी, पिज्ज़ा दिखाया था, मंचूरियन दिखाया था और नूडल्स दिखाए थे, आपको क्यों विजिबल थे, लाइट के कारण। अब मैं बताऊंगी कि कैसे लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, ये देखो सबसे पहले ये है इंसिडेंट रे, कोई भी रे जो है ये हमारी आंखों पे गिरी और हमें ये दिखी, समझ लो। जैसे ये मैंने एग्जांपल नीचे दी हुई है आपको ये समझाने के लिए कि ये प्रोसीजर क्या है। ये है सनलाइट, ठीक है, आपको पेड़ दिख रहा है, यहाँ पे पूरी पिक्चर दिख रही है कैसे हुआ ये चीज़। जो सन थी उसकी रे, उसकी जो लाइट थी वो कहाँ पर पड़ी, यहाँ पर ट्री पे, और ये ट्री की जो लाइट थी ये रिफ्लेक्ट कहाँ पर हुई, आपके ऊपर, आपकी आइस के ऊपर। फिर आइस से ये मैसेज कहाँ पे गया, ब्रेन में, और ब्रेन ने आपको क्या बोला कि ये सच एंड सच चीज़ क्या है, ट्री है, या फिर ये सच एंड सच चीज़ क्या है, आइसक्रीम है, ये सच एंड सच चीज़ क्या है, नूडल्स हैं। तभी आपको पता चला
ठीक है, तो ये याद रखना जब भी कोई, अब लाइट से जो लाइट सन से जो लाइट ट्री पे गिरी वो कौन सी थी, ये वाली इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हुई आप पे वो क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि ये जो चीज़ें दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। और देखने में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं हमें, सिर्फ आईज नहीं करता है, ब्रेन भी करता है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं तो वो मैसेज ब्रेन को जाता है कि तुम्हें पता है तुम क्या देख रहे हो, ये सामने खड़ा पेड़ है, ये सामने खड़ी तुम्हारी मम्मा है, ये सामने को खड़े तुम्हारे पापा हैं, ये बहन है। ये क्यों पता चल रहा है? क्योंकि ब्रेन में ये सिग्नल जा रहा है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, अभी एक्टिविटी थी, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। इमेज ऑफ अ कैंडल इन अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, ये देखो मिरर है, प्लेन है ना, आपके घर पे भी लगा हुआ है ये ऐसा मिरर सीधा। अब इस पर कैंडल रखो और ये शॉर्पनर है, दिख रहे हैं दोनों, ठीक है। अब ये जो, अब मैं अगर इस एक्टिविटी में देखूँ जो शॉर्पनर का साइज़ है वही मिरर में शॉर्पनर का साइज़ है, ये तो नहीं है कि जो मिरर में, ये प्लेन मिरर है मैं बता दूँ, जो मिरर में अगर बाहर शॉर्पनर का साइज छोटा था तो अगर मैं मिरर में देख रही हूँ तो मुझे ये साइज बड़ा लग रहा है, बिग लग रहा है, नो। अगर मैं कैंडल देखूँ, ये कैंडल की फ्लेम, या फिर मैं देखूँ प्लेन मिरर में तो ये सेम साइज है, यह तो नहीं मुझे लग रहा कि ये बड़ा साइज है, सेम है। अगर मैं अपने आप को प्लेन मिरर में देखूं तो जो मेरा साइज़ है वही दिखेगा, या फिर मैं मोटी या पतली दिखूंगी उससे सेम दिखूंगी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जो इमेज फॉर्म होती है ये प्लेन मिरर है ना। आगे हम डिफरेंट टाइप के मिरर करेंगे, तो ये प्लेन मिरर के लिए जो इमेज फॉर्म होगी इट वुड बी द सेम साइज़ एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ये कैंडल, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज, इमेज मतलब जो फोटो फॉर्म हो रही है मिरर में वो सेम है, शॉर्पनर और उसकी इमेज जो है वो सेम है, हमारी इमेज फॉर्म होगी वो भी सेम होगी। और प्लेन मिरर कैसी इमेजेस फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेजेस, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगी कि वर्चुअल मतलब क्या होता है, ये क्लियर है चीज़। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्सन, ये याद रखना सबसे पहले कि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, या फिर आपके एग्जाम्स में भी टीचर पूछ सकती हैं कि लेटरल इन्वर्जन आप, और आप ट्राई भी करके देख सकते हो घर पे ही कि आप लेटरल इन्वर्जन किस मिरर में करते हो, तो वो ऑब्वियसली प्लेन मिरर, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या है कि आप ना अपने ना घर पे जो प्लेन मिरर है उसके आगे खड़े हो जाओ, ठीक है, अपना ना राइट हैंड मिरर को दिखाओ, आपको लगेगा मिरर आपको अपना उसका मिरर जो है, जो इमेज फॉर्म होगी मिरर में वो आपके लेफ्ट हैंड की बनेगी, ठीक है, और समझ आई। तो क्या है लेटरल इन्वर्जन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, इट इज़ कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ये कौन बनाता है हमेशा, प्लेन मिरर, ठीक है, मतलब जो राइट साइड आपकी बाजू है, जो राइट साइड है आपकी बाजू, ठीक है, वो आपको मिरर में ऐसे दिखे, अगर तुमने राइट साइड वाली बाजू अपनी ऊपर की है तो आपको ऐसे लगेगा मिरर में कि आपने लेफ्ट साइड वाली बाजू ऊपर की हुई है, समझ आई। जैसे ये आप इमेज में भी देखो कि ये लड़के ने अपनी राइट साइड वाली बाजू ऊपर की है, बट मिरर में क्या लग रहा है कि लेफ्ट साइड वाली की है, इसे क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ये किस टाइप के मिरर्स में होता है, प्लेन मिरर में। अब आपको ये भी समझ आएगा कि एम्बुलेंस में, जो एम्बुलेंस के आगे आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ये वैसे लिखा होता है, जब हम मिरर में देखते हैं तो हमेशा सीधा दिखता है, क्यों, बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द पिक्चर दैट द वर्ड्स रिटन ऑन द एम्बुलेंस इज ऑलवेज इन्वर्टेड, देन हाउ दे अपेयर करेक्ट इन अ राइट मैनर इन द इन टू द मिरर ऑफ अ ड्राइवर, है ना, क्यों, बिकॉज ऑफ, आप क्यों क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन, समझ आई, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ये देखो, ये मैंने एक ना बनाया गोल, स्फेरिकल मतलब गोल जैसे, अगर हम इसको कट कर देंगे यहाँ से तो ये देखो दो मिरर्स यहाँ से दो पार्ट्स बन जाएंगे, ये ऐसे, ठीक है, एक इसका इनर सरफेस होगा, एक आउटर सरफेस होगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर एज द नेम सजेस्ट हैज स्फीयर लाइक स्पेस, स्फीयर मतलब राउंड, इट अपेयर्स एज इट इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, जैसे बॉल है, बॉल भी स्फीयर होती है, तुम बॉल को कट करो ऐसे,
सेंटर में से कट करो। जो उसका अंदरला पार्ट होगा वो कनकेव होगा, जो बाहर वाला पार्ट होगा वो कन्वेक्स होगा। अब मैं बताती हूँ कनकेव मिरर क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब जैसे मैंने यहाँ से बॉल को कट किया तो ये जो कर्व है ये वाला, ये अंदर वाला, ये यहाँ से ऐसे होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, यहाँ पे ये कर्व्ड इनवर्ड है, ये प्लेन यहाँ पे मिरर आ गया, यहाँ पे ये साइन होता है मिरर, और ये हो गया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इनवर्ड कर्व है अंदर को। और कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, मतलब ऐसे, मतलब ये ऐसे मिरर हो गया और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये चीज़। मैं एक पॉइंटर से समझा रही हूँ, ये आपको दिख रही है ये वाली, ये सी जो उल्टी, ये है कन्वेक्स, समझ आ गई। कनकेव मतलब कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड, और कन्वेक्स मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट ये देखो कनकेव मिरर। कनकेव में मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो ये देखो ये मिरर है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इनवर्ड है। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो रेज, ये मतलब ये रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज। मैंने बताया ना इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, तो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रेज, ये सारी जो आ रही हैं ये वाली, ये आ रही हैं यहाँ पे मिरर को स्ट्राइक कर रही हैं और ये देखो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये सारी एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एक ही पॉइंट पर, ये वाले, ठीक है। तो कनकेव मिरर में यही इसकी खासियत है, यही इसकी स्पेशलिटी है, यही इसकी खूबी है। क्या कि कनकेव मिरर इज़ क्या होता है, कनकेव मिरर इज़ पॉलिश इनवर्ड, ये इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड, ये देखो ना रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज इनवर्ड रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और सारी रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं, है ना, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। क्लियर? नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। ये देखो इसमें क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ये ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग रे आ रही है, ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रे आ रही है, इंसिडेंट मतलब जो आ रही हैं, इंसिडेंट रे आ रही हैं, ये देखो इंसिडेंट रे आ रही हैं, बट ये सारी क्या एक पॉइंट पे मिल रही हैं, नो, ये देखो ये सारी रिफ्लेक्टेड है, कोई किसी एंगल पे स्कैटर हो रही है, कोई कहीं स्कैटर हो रही है, कोई किसी कहीं स्कैटर हो रही है, कोई कहीं स्कैटर हो रही है, समझ आई। इसमें मैं फिर से बता दूँ, कनकेव में क्या था कि सारी इंसिडेंट रेस आ रही थी और सारी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, ये देखो एक सिंगल पॉइंट पे। अगर मैं इसमें देखूँ इंसिडेंट रे आ रही हैं बट एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, ये देखो ये किसी और एंगल पे है, ये किसी और एंगल पे, ठीक है, ये किसी और एंगल पे, ये किसी और एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये पूछा जा सकता है आपको कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या प्लेन मिरर्स हैं? नो, ये कैसे मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। और कनकेव क्या है, रिफ्लेक्टेड इनवर्ड, ये देखो अंदर को है, ये देखो अंदर को है, तो अंदर को रेज आ रही हैं और अंदर को रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और कन्वेक्स का है बाहर, ये देखो सारी रेज बाहर जा रही हैं, समझ आई। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको समझाना था कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है, किस किस मिरर्स में किस कैसे कैसे इमेजेस बनती हैं, ठीक है। अब रियल इमेज कब बनती है, इट इज़ फॉर्म व्हेन रेज मीट एट सेम पॉइंट। अब मुझे ये पहला पॉइंट रीड करने पर ही आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि रियल इमेज किस में बनती हैं, कनकेव में। क्यों? क्योंकि आपने मैम बताया कि सारी रेज एक पॉइंट पे ही मिलती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, और वो किस में होता है, कनकेव मिरर में, है ना। इट इज़ फॉर्म एंड राइज लेयर रिफ्लेक्ट एंड डाइवर्स, डाइवर्स मतलब अलग अलग होती हैं, ये देखो अलग अलग हो रही हैं, ठीक है। कैन बी व्यूड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज कैन नॉट बी व्यूड ऑन द स्क्रीन, ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इरेक्ट, फॉर्म बाय कनकेव, फॉर्म बाय कन्वेक्स। ये मैं बताती हूँ रियल इमेज क्या है, कहाँ पर बनती है, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। अब रियल इमेज मतलब जो जैसे हम हैं वैसे, मतलब कि जैसे, ये देखो अगर तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो इमेज भी तुम्हारी इसी साइड पे बनेगी, मतलब यहाँ पे इमेज बन रही है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सारी रेस यहाँ से इंसिडेंट कर रही है, यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, इट मीन्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे इमेज बनी,
क्लियर। तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे इमेज बनती है रियल, ठीक है। वियर एज इसमें क्या होता है कन्वेक्स में, कि जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके हमेशा ऑपोजिट साइड पे इमेज बनती है, जिसके कारण हमें वो वर्चुअल इमेज बनती है, मीन्स पीछे को बनती है। यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, मैंने प्लेन मिरर में देखा था, आपने अपनी शक्ल देख रहे थे, आपको क्या लग रहा था कि उधर वाली साइड पे कोई बंदा खड़ा है, तो वो भी क्या है वर्चुअल इमेज, पीछे को बन रही है और वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब कि अगर तुम सीधे खड़े हो तो तुम्हारी इमेज सीधी बन रही है, अगर तुम पुट्ठे लटक जाओगे तो वो भी जो इमेज है तुम्हारी वो भी पुट्ठी लटकेगी। समझ आई, उसका मतलब है इरेक्ट, और ठीक है समझ आई। और वर्चुअल इमेज ये याद रखना कि वर्चुअल इमेज किस किस केस में बनती है, कन्वेक्स और प्लेन मिरर, और इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब कि जैसा इमेज, जैसी ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज, ठीक है। और रियल इमेज किस में बनती है, कनकेव में, कनकेव कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज। क्यों, क्योंकि सारी रेस जो है एक पॉइंट पे फोकस रहती हैं, जिसके कारण जो इमेज है वो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब मैं आगे एग्जांपल्स में भी बता रही हूँ, इन्वर्टेड मतलब जैसे अगर तुम खड़े हो तो तुम पुट्ठे लटके नज़र आओगे। समझ आई, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 8th 9th क्लास में रे डाइग्राम्स आएंगे बनाने के लिए, कि बेटा आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, बताओ इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसा कैसी इमेज बनेगी। समझ आई, क्लियर है। कनकेव में रियल भी बनती है वर्चुअल भी बनती है, ये आपको बस आप एक बार याद रख लो कि कैसे, ये रे डाइग्राम्स में आपको हायर क्लासेस में समझ आएगा। बट प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, क्यों, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है ना। आपको लगता है कि सामने कोई खड़ा है, रेस जो है वो एक पॉइंट पे नहीं मिलती है, रिफ्लेक्टेड रेस सारी स्कैटर्ड होती हैं। समझ आई, बट वो कैसी होती है, इरेक्ट। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, कनकेव मिरर फॉर्म बोथ, कनकेव मिरर फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल। समझ आई, ये देखो इमेज फॉर्म बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो कनकेव, कनकेव में क्या कैसी इमेज थी, वर्चुअल नहीं, कनकेव में रियल मतलब इन्वर्टेड, मतलब जैसे तुम्हारी शक्ल है, ठीक है। ये स्पून का अगला पार्ट है, अगला पार्ट आप देखोगे ना तो वो हमेशा कनकेव मिरर होगा, कनकेव बनेगा। कनकेव मतलब देखो तुम अपने घर पे स्पून होगा सबके घर में, चम्मच है ना, वो पकड़ के देखो वो चम्मच का जो अगला पार्ट है, अगला हिस्सा, वो एक्ट कर रहा है कनकेव मिरर की तरह, मतलब जो इमेज है वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, देखो बेचारे बच्चे की इमेज उल्टी बन रही है। वियर एज कन्वेक्स में इमेज कैसी बनती है, ऑलवेज 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 रियल। तो पिछला पार्ट जो स्पून का है वो कैसे एक्ट कर रहा है, कन्वेक्स की तरह, तो उसकी सीधी इमेज बन रही है देखो, ठीक है। उसके बाद है कि ये कैंडल्स, कैंडल रखी है मैंने, ये देखो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बहुत अच्छा समझाया। ये देखो कनकेव के केस में कन्वेक्स के केस में सीधी, देखो जैसे कैंडल है वैसी इमेज, बट इसमें देखो ये देखो इसकी ये देखो फ्लेम उल्टी हो रही है, इन्वर्टेड, मतलब ये कौन सा इमेज है, कौन सा मिरर है, कनकेव। समझ आई, क्लियर है। स्पून का अगला हिस्सा क्या है, कनकेव, तभी इमेज कैसी बन रही है, उल्टी इन्वर्टेड। स्पून का पिछला हिस्सा कैसा है, कन्वेक्स, तभी इमेज कैसी बन रही है, तभी इमेज कैसी बन रही है, सेम इरेक्ट। समझ आई, कनकेव और कन्वेक्स के बीच में डिफरेंस, ये देखो ये कनकेव था, सारी रेज एक पॉइंट पे थी, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे थी, ठीक है। ये मैंने डिफरेंस समझाया और ये आपको समझ आ गया शायद मेरे हिसाब से, समझ आई। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट का डाउन कर लो कि एप्लीकेशंस क्या है कनकेव मिरर की। सैटेलाइट डिशेस यूज कनकेव मिरर टू गैदर ऑल सिग्नल्स एंड रिफ्लेक्ट एट वन पॉइंट। अब आपको पता है आपके घर में जो टीवीज आते हैं वहाँ पर डिशेस लगी होती हैं, ये डिश का काम ही क्या करता है, ये सारी की सारी जो सैटेलाइट से रेज आती हैं उसे एक पॉइंट पे एकत्रित करता है, एक पॉइंट पे जमा करता है और फिर से उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो कनकेव मिरर का यही काम था,
कि वो सारी रेस को एक पॉइंट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्टेड रे है सारी एक पॉइंट पे ही फॉल करती है। पीछे देखा ना डायग्राम में, क्लियर हुई ना चीज़, क्लियर हो गई ना वो चीज़, है ना। ये क्या हो गया, क्लियर हो गई वो चीज़ कि सैटेलाइट डिशेस यूज कनकेव मिरर टू गैदर ऑल सिग्नल्स एंड रिफ्लेक्टेड वन पॉइंट। मतलब ये कनकेव मिरर ऐसा ही था, इनवर्ड रिफ्लेक्ट इनवर्ड, ठीक है। ये जो है यहाँ पे होता है प्रिंसिपल, यहाँ पे फोकस और ये सेंटर ऑफ क्रिएचर, ठीक है। यहाँ से इंसिडेंट लाइट, लाइट जो है पॉइंट पे पड़ रही है सारी, यहाँ पे आ रही है एक ही पॉइंट पे फोकस हो रही है, मतलब ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से मतलब ये रे आई दूसरी, यहाँ पे फिर से अटैक हुई, यहाँ पे आई फिर से यहाँ पे अटैक हुई, ठीक है। तो ये क्या है, क्लीन कर देती हूँ, ये सारी क्या है, फोकस एक पॉइंट पे हो रहा है, इसीलिए हमने बोला कि सैटेलाइट जो है डिशेज ये यूज कनकेव मिरर टू गैदर ऑल सिग्नल्स एंड रिफ्लेक्ट एट वन पॉइंट। नेक्स्ट है डेंटिस यूज कनकेव मिरर टू रिफ्लेक्ट लाइट इन अ पर्टिकुलर टूथ। ये देखो ये मैंने मिरर बनाया, ठीक है, ये इनवर्ड रिफ्लेक्ट हुआ, ये प्रिंसिपल, ये सेंटर फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट आई इंसिडेंट लाइट, ये फोकस के ऊपर गिरती है, ये याद रखो, आपको अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही आया रखना कि फोकस पे गिरती है, यहाँ पे आई फिर से, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो सारी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जब सारी एक पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखेगा, यस। तभी जो डेंटिस्ट है, ये आपका जो डेंटिस्ट जो है आपका, एक ऑलवेज यूज कनकेव मिरर, शेविंग मिरर, अपने पापा का शेविंग मिरर देखो तुम, वहाँ पे भी कनकेव मिरर होता है कि फोकस सिर्फ फेस पे रहे। हेडलाइट्स ऑफ अ कार, हेडलाइट्स जो आपकी आगे हेडलाइट्स होती है, पीछे मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था हेडलाइट कार का, उसमें भी कनकेव लगा होता है, क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहे, बाकी इधर उधर डायरेक्शंस भी होगी तो क्या ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, नहीं, समझ आई। टॉर्चिस, अब टॉर्च आपके घर पे पड़ी होगी, उसका अगला पार्ट देखो, वो भी कनकेव होगा, क्यों, क्योंकि जो लाइट को हम ऑन करें तो उस जो लाइट का फोकस है वो एक पॉइंट पे रहे जहाँ पे हम देखना चाहते हैं, क्लियर। हाँ, जैसे हम अपना रूम देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली रूम पे ही पड़ेगा, या अपनी कॉपी देखना चाहते हैं टॉर्च के बाद, टॉर्च पे सारी जो रेज है वो टॉर्च पे ही करेंगी, क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट जो सारी जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है एक कॉमन पॉइंट पे, समझ आई। दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ कनकेव मिरर, शेविंग मिरर की तरह यूज़ होता है, सैटेलाइट्स में यूज़ होता है, हेडलाइट्स ऑफ अ कार, टॉर्चेस में यूज़ होता है, क्लियर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर किस में यूज़ होता है, जो आप साइड कार्स की साइड पे जो मिरर देखते हैं वो क्या होता है, कन्वेक्स, क्यों, जब आप साइड पे देखते हो तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं दिखती है, पीछे बहुत सारे व्हीकल्स दिखते हैं, क्यों, बिकॉज उसमें कन्वेक्स मिरर लगा होता है, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर मैंने क्या बताया था कि जो रे वो इट इज़ कर्व आउटवर्ड, है ना, एक मिनट, इट इज़ कर्व आउटवर्ड, मतलब यहाँ पे ऐसे होता है तो रेज आती हैं, ठीक है, तो ऐसे फोकस पे ऐसे रिफ्लेक्ट करती हैं बाहर डिफरेंट एंगल पे, है ना, तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, जो साइड पे मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर जिसे हम कहते हैं कार्स में, या आपकी टू व्हीकल्स, टू व्हीलर व्हीकल्स में, एक्टिवास में, उसमें कन्वेक्स होता है। अब आपको कहीं जाओ घूमने तो अपने पेरेंट्स को भी बताओ कि ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ऐसी नॉलेज भरती है कि कन्वेक्स है या कनकेवा, ये पापा ये कन्वेक्स है, क्यों कन्वेक्स है, क्योंकि ये जो रेज है ये डिफरेंट एंगल्स पे जा रही हैं, डिफरेंट एंगल्स पे जा रही हैं, इस यही रीज़न है कि ये मिरर से हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, समझ आई। नेक्स्ट, सिक्योरिटी मिरर नियर एन ATM आर कन्वेक्स सो दैट द यूज़र कैन डिटेक्ट इजिली इफ़ anyone is watching behind or not। अब ATM मशीन जहाँ भी होती हैं वहाँ पर भी कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर, ओके।